वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ने कहमार। अगर मेरे चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर दो, बाजू में जो बेल आइकन है उसे दबा दो ताकि आपको मिल सके हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले। और आज हम बात करेंगे कि हम डीजे अलोक का करेक्टर का रिप्लेस किया, हम डीजे अलोक करेक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं, इसके बदले में दूसरा कोई करेक्टर यूज़ कर सकते हैं। ये सही है, सही सुना आपने। अब अगर आपके पास अगर डीजे अलोक करेक्टर नहीं है और डीजे अलोक करेक्टर का फंक्शन आपको चाहिए तो वो हम यूज़ कर सकते हैं, दूसरे करेक्टर से हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो को देखिएगा, पता चल जाएगा कि डीजे अलोक करेक्टर का फंक्शन हमें कैसे मिल सकता है, कौन सा करेक्टर यूज़ करने से डीजे अलोक करेक्टर का फंक्शन हमें मिल सकता है क्या। आई थिंक मुझे लगता है कि वो करेक्टर डीजे अलोक करेक्टर से भी अच्छा है, उस करेक्टर का स्किल जो है डीजे अलोक करेक्टर से भी ज़्यादा तेज हमें हमारा हमें डैमेज मिले तो हमें एचपी मिलता है। डीजे अलोक करेक्टर से बेस्ट करेक्टर शायद मुझे लगता है, आपको क्या लगता है कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई मेरे पास डीजे अलोक करेक्टर नहीं है, मुझे डीजे अलोक करेक्टर चाहिए, डीजे अलोक करेक्टर चाहिए, डीजे अलोक करेक्टर ऐसे करके डीजे अलोक करेक्टर का मतलब प्राइस भी कम नहीं हो रहा है, सबको डीजे अलोक करेक्टर चाहिए इसलिए प्राइस भी कम नहीं हो रहा है। किसी को पता नहीं है कि डीजे अलोक करेक्टर का स्किल क्या है, कि क्यों हमें डीजे अलोक करेक्टर यूज़ करना है, उसका इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिर भी उनको डीजे अलोक करेक्टर चाहिए। तो मैं अभी इस वीडियो पर बताऊँगा कि डीजे अलोक करेक्टर पेज जो फंक्शन हमें मिलता है, सेम फंक्शन हम दूसरे भी करेक्टर पे करेक्टर स्किल पे भी हमें वही फंक्शन मिल सकता है। तो आप वो करेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं और वो करेक्टर हमें बहुत कभी कभी फ्री पे भी मिल जाता है, तो बहुत सारा इवेंट पे भी हमें वो करेक्टर हमें मिल जाता है, तो हम यूज़ कर सकते हैं वो करेक्टर। तो पूरा वीडियो को देखिएगा तो पता चल जाएगा वो करेक्टर कौन सा है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बाजू में जो बेल आइकन है उसे दबा दो ताकि आपको मिल सके हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले। और अभी देखेंगे कि कौन सा करेक्टर है और क्या करना है, तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबाओ। आपको कहीं पे भी मशरूम मिले तो ऐसे मशरूम को यूज़ कर लेना चाहिए, तो मशरूम को यूज़ करेंगे तो आपका ईपी इंक्रीज हो जाएगा, तो फिर ऐसा ही यूज़ करना। और आपको डैमेज मिलेगा तो यहाँ पे देखिएगा डैमेज मिला है, तो ईपी से एचपी पे फ़र्क से कन्वर्ट हो रहा है, मतलब मेरा एचपी मतलब डैमेज होने का कारण जो एचपी कम होता है तो वो मुझे मिल जा रहा है। जो फंक्शन हमें डीजे अलोक करेक्टर पे हमें जो फंक्शन मिलता था वही सेम फंक्शन अलोक पे तो हमें इंक्रीज़ हो जाता था, एचपी इंक्रीज़ हो जाता था, तो यहाँ पे सेम वही हो रहा है। तो हमारा डैमेज मिलने से दो जो एचपी मतलब कम होता है तो वो तो हमें मिल जा रहा है, एचपी की हमें मिल जा रहा है, लेकिन ये वाला डीजे का अलग करेक्टर नहीं है। तो आगे बताएंगे ये कौन सा करेक्टर है और कौन सा स्किल लेकर खेल रहे हैं जिससे हमें डीजे अलोक का फंक्शन हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ कुछ लोग बोलेंगे कि हमें अगर मशरूम नहीं मिले तो क्या करना है, तो मशरूम नहीं मिले तो कैसे आपको ईपी हाँ ईपी मिलेगा वो भी हम दिखाएंगे आपको आगे। तो यहाँ पे मशरूम और मशरूम मिल रहा है तो इसको फिर से मतलब यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मुझे डैमेज मिल रहा है और डैमेज यहाँ देखिए 47 ईपी से पटाख से कन्वर्ट हो जाएगा, एचपी पे कन्वर्ट हो रहा है, इतना फास्ट कन्वर्ट हो रहा है जो डीजे का अलोक करेक्टर पे इससे कम टाइम पे हमें मतलब उतना ज़्यादा एचपी मिलता है। तो यहाँ पे देखिए मैं पूरा मतलब मेडिकेट यूज़ नहीं करूँगा तो मेरा एचपी फुल हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे ही कौन सा करेक्टर लेके खेल रहा हूँ और मैं आगे आपको बताऊँगा, पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो उसका बाद अगर आप कहेंगे तो मेरा ईपी इंक्रीज़ कर और कैसे कर सकते हैं, हमारा हमें अगर मशरूम नहीं मिला है तो हमें ईपी कैसे हमें मिल सकता है, तो यहाँ पे हम दिखाएंगे आपको ईपी कैसे मिलेगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ईपी इंक्रीज़ करने के लिए आपको करना है मिगुल का करेक्टर का स्किल यूज़ करना है, करेक्टर मिगुल करेक्टर, तो यहाँ पे एक किल करेंगे तो फटाक से हमें इंक्रीज़ हो जाएगा, ईपी इंक्रीज़ हो जाएगा। देखिए एक किल किया तो किल पे मुझे मिल गया है मिगुल करेक्टर यूज़ करने का कारण, तो हमें ईपी इंक्रीज़ हो गया है। और ये करेक्टर जो ईपी टू एचपी पे कन्वर्ट करने के यूज़ कर रहा हूँ वो करेक्टर है ए124 करेक्टर, जो ऐसे बोल सकते हैं कि डीजे अलोक का रिप्लेस कर सकते हैं, इसके बदले डीजे अलोक अगर नहीं है तो ये करेक्टर, और अगर हमें वही फंक्शन का यूज़ करना है तो सेम डीजे अलोक के बदले पे हम ए124 करेक्टर का स्किल यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा करेक्टर है और आई थिंक मुझे लगता है डीजे अलोक करेक्टर से भी अच्छा है, ये डीजे अलोक करेक्टर से भी अच्छा करेक्टर है। और ये करेक्टर बहुत सारा इवेंट पे हमें फ्री पे भी मिल जाता है, और ये जो करेक्टर जो है मुझे भी फ्री पे मिला है, किसी इवेंट पे फ्री पे मिला है। तो अगर इसी तरह अच्छा इन्फॉर्मेशन वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बाजू में जो बेल आइकन है उसे दबा दो ताकि आपको मिल सके हर एक इवेंट का इन्फॉर्मेशन, हर एक फ्रीमेयर रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको ये हर इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और बहुत ही जल्द हमारे यहाँ हमारे चैनल पर कस्टम टूर्नामेंट भी होने वाला है। और थैंक यू, यहाँ पे करते हैं स्टॉप गेम को।